पूर्वी चंपारण रक्सौल में 8 लाख रुपए की फर्जी लूट की कहानी रचने वाला ग्राहक सेवा केंद्र सीएसपी संचालक खुद अपने ही जाल में फंस गया। रक्सौल थाना क्षेत्र में हुए कथित तौर पर पलनवा में सीएसपी संचालक से 8 लाख रुपए की लूट के मामले में रक्सौल पुलिस ने महज 10 घंटे के अंदर लूट की घटना का उद्भेदन कर लिया और लूटे गए 8 लाख में से 7,90,000 रुपए भी बरामद कर ली और इसमें शामिल 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोतिहारी एसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि कल दोपहर में सीएसपी संचालक ने रक्सौल थाने में 8 लाख रुपए लूटे जाने का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई। तहकीकात में पता चला कि यह कथित तौर पर लूट सीएसपी संचालक द्वारा ही किया गया है, जिसके बाद सीएसपी संचालक को पुलिस ने हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें खुलासा हुआ कि खुद से रुपए लूटने का साजिश रच इंश्योरेंस का पैसा निकलवाने का मकसद था। गिरफ्तार दोनों सीएसपी संचालक के निशानदेही पर लूटे गए 7,90,000 रुपए बरामद कर लिया गया है। 4 लोगों ने मिलकर इस घटना की साजिश रची थी, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं एक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। कल एक घटना घटी थी, रिपोर्ट हुई थी रक्सौल थाना में। पलनवा में सीएसपी चलाते हैं 2 लोग, अमित मिश्रा और अब्दुल रशीद। ये लोगों ने थाना में जाकर केस किया कि ये लोग सीएसपी का पैसा लेके जा रहे थे और लगभग 8 लाख रुपये रकम थी उनके पास और लूट ली गई है। और उसके बाद अनुसंधान के लिए डीएसपी साहब को उन्होंने कहा था, तो डीएसपी और थानेदार दोनों मिलके इन लोगों का इंट्रोगेशन किए। इन लोगों के बॉडी लैंग्वेज से इनको संदेह हुआ। फिर बैंक भी गया और सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया। इनका टावर लोकेशन वगैरह भी देखा गया। बहुत मतभेद मिला और उसके बाद इनके डिटेल इंट्रोगेशन से इन लोगों ने कबूला कि ये लोग गलत FIR करा रहे थे और इन्हीं लोगों के पास से 7,90,000 रुपये कैश बरामद भी हो गया है। इन लोगों को हम लोग नया केस करके जेल भेज रहे हैं राशि का गबन करने के लिए, 400BC करने के लिए, पुलिस में झूठा FIR दर्ज कराने के लिए। इन लोगों को अभी जेल भेजा जाए। अभी 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक व्यक्ति और था जिसके पास इन लोगों ने पैसा रख दिया था, वो भी गिरफ्त से बाहर है, वो भाग गया था रेड के दौरान, उसको भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। नेशन भारत के न्यूज रूम से मैं शांभवी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशन भारत को।